नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रियोगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। क्या मिलेगी आपको करियर और व्यापार में तरक्की? सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? क्या इस समय रिलेशनशिप को शादी में बदलने के लिए सही है? क्या आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार? आज राहु काल का समय क्या है? क्या सुरक्षित होगा क्रिप्टो में निवेश? क्या आज का दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए होगा शुभ? कौन सा रंग होगा आपके लिए लकी? हम बताएंगे आपको आज के राशिफल में। आइए पहले हम नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर और जानेंगे तिथि, नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, योग और आज का राहु काल। अब जानते हैं 27 दिसंबर 2021 दिन सोमवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943 और कली संवत 5123 है और हिंदू पंचांग के अनुसार मास पौष है, पक्ष कृष्ण पक्ष और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज अष्टमी तिथि शाम 7:28 तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज हस्त है जो सुबह 5:08 तक रहेगा, इसके बाद चित्र नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है बालक जो सुबह 7:53 तक रहेगा, इसका कौलव करण लग जाएगा जो शाम 7:28 तक रहेगा, इसका तैतिल करण लग जाएगा जो सुबह 6:53 तक रहेगा, इसके बाद घर करण लग जाएगा। आज बनने वाला योग सौभाग्य योग है जो सुबह 8:54 तक रहेगा, इसके बाद शोभन योग लग जाएगा जो सुबह 6:52 तक रहेगा, इसका अतिगंड योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा, सूर्यास्त शाम 5:32 पर होगा और आज चंद्रोदय रात 1:02 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:43 तक है और अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और आज राहु काल सुबह 8:30 से शुरू होकर शाम 9:47 तक रहेगा। और इसके साथ ही दर्शकों, हमने आपको आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप अपने शहर के अनुसार सटीक पंचांग जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। साथ ही साथ जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ढेरों शुभकामनाएं। शिव पार्वती की तरह आपकी जोड़ी भी सदा सलामत रहे। प्रेम विवाह, करियर, व्यापार, धन, नौकरी, कुंडली मिलान या व्यवहार मूड से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। December 27 मेष राशि। कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके लिए अच्छा दिन हो सकता है। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, आप एकाग्रतिक होकर काम कर सकते हैं। आपको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसे आप मिलते हैं। जो भी हो, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाभ के लिए इसका अधिकतम लाभ उठाएं। किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से आप सलाह दे सकते हैं। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी को बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप ऐतिहासिक स्थान पर जाकर पुरानी यादों को फिर से ताजा करें। यहाँ पर भी आप जाएंगे वास्तव में आप तरोताजा हो जाएंगे। अपने रिश्ते में भावनात्मक रूप एवं रोमांच से गर्माहट का अनुभव करेंगे। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। विषम परिस्थितियों को आसानी से सुलझा लेने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में अलग ही पहचान मिलेगी, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ भी मिलकर काम करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो नाराज हो। उनकी मदद से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकेंगे। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, आपकी मेहनत की बदौलत आपकी अच्छी आमदनी होगी। अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो आपकी मेहनत के चलते उत्पादन में काफी इजाफा होगा। अगर आप अपने उत्पाद या सेवा का प्रचार प्रसार करते हैं तो आपकी आमदनी निसंदेह बहुत बढ़ेगी। कुल मिलाकर आपकी मेहनत की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तरक्की होने वाली है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, आज आप अपनी जीवन शैली से गंदे और अस्वस्थ विकारों को निकाल फेंकें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज उसे छोड़ने का उचित समय है। आज अपना ध्यान व्यायाम और अच्छे खान पान पर केंद्रित करें। आप इस हफ्ते योग में समय बिताना चाहेंगे क्योंकि आप इस समय स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार पीले रंग में कुछ पहने
सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। वृषभ राशि। कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके लिए ऑफिस और व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा। इससे आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। किसी भी तरह के टकराव और तर्क वितर्क से बचें। इससे आपके बॉस या किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। दिन के अंत में आप देखेंगे कि चीजें आपके पक्ष में ही हैं। अपने मित्रों और परिवार के साथ मिलकर काम करने के लिए यह अच्छा समय है। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आपके बाहर जाने की योजना आज पक्की हो जाएगी। यदि आपने साथी के साथ कहीं बाहर जाने की योजना है तो किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां आराम से बातचीत कर सकें। इसके लिए आप दोनों कॉफी हाउस या फिर लंबी सैर पर निकल सकते हैं, जिससे एक दूसरे का साथ भरपूर आनंद लुटा सकें, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी सकें। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। विषम परिस्थितियों में भी आसानी से काम कर लेने के कारण आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे। आप में वो काबिलियत है जो आपके अधिकारी आपसे चाहते हैं। समय के साथ आपके करियर में भी उतनी वृद्धि होगी जितनी कि आप सोचते हैं। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों, आज आपका कठिन परिश्रम एवं एक दिशा में किया गया कार्य बहुत ही बड़ी संख्या में धन अर्जित करा सकता है। हाल ही में आपकी सृजनात्मक योग्यता अपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शित हुई है। आपको निश्चित रूप से आर्थिक पुरस्कारों की प्राप्ति होगी जो आपके उत्तम विचारों का प्रतिफल है। आप अपनी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप स्वच्छ और संतुलित भोजन खाना पसंद करेंगे, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है, इसलिए आप जिम भी जा सकते हैं। कोशिश करते रहें, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिष के अनुसार अपने विदेश का अधिकतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण करें। सफेद रंग के कपड़े पहनने से आज आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। मिथुन राशि। कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा परेशान या निराश कर सकता है। आपको समस्याओं को ठीक करने में थोड़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता ना करें, इससे चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने खर्चों पर नजर रखें। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहने वाला है आज का दिन। अपने साथी से हुए प्राप्त रोमांचक संदेशों से आज आप काफी पूरा नहीं समाएंगे और बितावी से मिलने की उम्मीद लगाएंगे। कुछ पल ऐसे ढूंढें जिनमें जिंदगी की दिक्कतों को भूलकर प्यार से एक दूसरे के लिए जी सके। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप काम के बोझ को आसानी से सहन कर लेंगे। इससे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा और इसके लिए आपको अपने आत्मनियंत्रण व सकारात्मक सोच का सहारा भी लेना चाहिए। इन सबसे आपको सफलता मिलेगी व करियर में भी काफी वृद्धि हो सकेगी। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, अगर आप व्यवसाय में हैं तो आज कोई नई योजना शुरू करने से पहले सावधान रहें। कोई ऐसा काम तो आज कोई कतई शुरू ना करें जिसमें मोटी लागत आ रही है, क्योंकि आज का दिन ऐसे काम शुरू करने के लिए ठीक नहीं है। या तो कोई ऐसा काम शुरू कीजिए जिसमें लागत मामूली हो और फिर अच्छे निवेशक के साथ कुछ काम शुरू करने के लिए कुछ दिन रुक ही जाइए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक, आज आप खुद को तनाव मुक्त पाएंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। आज का दिन खूब मजे में बिताएंगे, क्योंकि आज आप अच्छा मूड और कम तनाव आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, इसलिए खूब मस्ती करें। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। बैंगनी रंग आज आपके लिए शुभ रंग है। कर्क राशि। आपके सामाजिक मोर्चे पर आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। कन्या राशि में चंद्रमा को